राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आपको देखकर लग रहा होगा शायद मैं जो नेकलेस है उनकी डिज़ाइंस दिखा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी एक समस्या दूर करना चाह रही हूँ। देखिए, मार्केट से जब हम लेके आते हैं या तो उसमें जो नेकलेस लेके आते हैं या तो उसमें धागा डला हुआ होता है, और कुछ नेकलेस में क्या होता है कि ऐसे जब पाउचेस आते हैं उसमें सिर्फ नेकलेस डला हुआ होता है और धागा साथ में देते हैं कि आप अपने आप डाल लीजिए। तो हम धागा डाल लेते हैं, उसके बाद जब हम कान्हा जी को या माता रानी को या राधे रानी को पहनाते हैं तो हम क्या करते हैं, गांठ लगा देते हैं। अब गांठ से क्या होता है, वो फिक्स हो जाती है, ना हम उसको छोटा कर सकते हैं ना उसको बड़ा कर सकते हैं, और हर रोज़ वही परेशानी। देखिए, इस तरीके से आता है और साथ में धागा आता है, और गांठ जब लगा देते हैं तो वो क्या होता है, फिक्स हो जाती है। और बिल्कुल भी अच्छा, कभी हमें लंबा पहनाना होता है या कभी शॉर्ट करना होता है, गले में सिर्फ गले गले में पहनाना होता है, तो बस हम कर ही नहीं पाते। तो आज मैं आपको ऐसा सरल तरीका बताऊंगी, तो आप अपने जो नेकलेस हैं उसको इस तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, और पहनाने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, हर रोज़ की टेंशन नहीं, आप इजीली आप पहना सकते हो। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मोटा धागा लेना है, मोटा वाला होता है, और उसके लंबे लंबे दो पीसेस काट लेने हैं। तो उसको आप धागे को कैसे आपको पिरोना है मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको एक जो भी आपको जो आपका जो नेकलेस है, कान्हा जी का हो या राधा रानी का हो, किसी का भी हो, उसको लेने के बाद जो दो होल होते हैं दोनों तरफ होते हैं बांधने के लिए, एक इस तरफ होता है, तो उसमें क्या करोगे, आप एक धागा लेकर के इस तरह से आप इंसर्ट करोगे होल के अंदर, और उसमें बराबर करने के बाद उसमें लगा दोगे एक गांठ। आप चाहें तो दो गांठ भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर, ठीक है। ये हो गई गांठ लग गई, और अब हमको क्या करना है, जो दूसरा होल है सेम इसी तरीके से दूसरा धागा लेना है, और उससे हमें इस तरह से नॉट लगा देना है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद दोनों पकड़ करके जैसे हम नॉर्मल गांठ लगाते हैं उसी तरह से हमको दोनों छोरों को अलग अलग पकड़ कर और नॉर्मल गांठ लगा, एक लगाइए से दो लगाइए, एक से भी ये टाइट हो जाता है, और इस तरह से हमने दोनों को बांध दिया। अब हमें क्या करना है, इनको करना है इक्वल, इस तरह से पकड़ कर, अगर छोटा बड़ा है तो हल्का सा आप सीजर से काट देंगे ताकि जो हमारे धागे हैं बिल्कुल इक्वल हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस तरह से मोती लेने हैं जिसका होल थोड़ा बड़ा हो, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं, क्योंकि ये जो धागे हैं ये भी थोड़े मोटे हैं हमारे, तो इस तरह से मोती लेना है जिसका होल थोड़ा बड़ा हो, और लेना है हमें फेविकॉल। अब फेविकॉल का क्या करना है, फेविकॉल को हमें थोड़ा सा बस हमारे जो फिंगर है उसके टिप पर लेना है, एक बूंद बस। एक बूंद लेने के बाद क्या करेंगे, हम जो हमारे धागे हैं ना उसके ऊपर टिप पर हम लगा देंगे। अब टिप पर क्यों लगाएंगे, जो मैं आगे देखेंगे आप बताती हूँ क्यों करना है ये सब। इस तरीके से हल्का हल्का इसको हम पर लगा देंगे। अब लेंगे हम एक मोती, अब इसे धीरे से बहुत ध्यान से हम इसके अंदर डालेंगे, जिस तरह से हम बाती बनाते हैं ना, पूजा की बाती बनाते हैं, जो बत्तियाँ बनाते हैं उस पर हम बट देते हैं ना, बस उसी तरीके से हम इसमें डालने के बाद हल्का हल्का ऐसे मोड़ते जाएंगे। जैसे ही हम हल्का हल्का मोड़ेंगे ना तो ये धागा अंदर की तरफ चला जाएगा, और आप आगे की तरफ से इसको खींच लेंगे। फेविकॉल लगाने से क्या हुआ, धागे आप जो चार धागे हैं, देखिए मोटी मोटे धागे हैं, वो खुलेंगे नहीं, और बहुत इजीली जो हमारा मोती है उसके अंदर चले जाएंगे, और उसको फिर आसानी से आप उसको खींच सकते हो। और हम फेविकॉल नहीं लगाएंगे तो फिर ये होगा ही नहीं, कितना इजीली चला गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे एक गांठ, गांठ मतलब आप आसानी से ऊपर एंड पर लगा दीजिए, उसके बाद मोती से जितना आपको बड़ा करना है उतना आप बड़ा करें, और इसको हल्का सा हम ऊपर से जहाँ हमने फेविकॉल लगाया था ना उसको हम काटेंगे। ये देखिए हो गया हमारा त्यौहार, कितना इजी हो गया। अब हमको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी बनाने में, आपको छोटा करना है तो छोटा कर लीजिए, इस मोती को ऊपर कर दीजिए, अगर आपको बड़ा करना है बड़ा कर लीजिए, है ना, कितना आसान तरीका। और आप जब भी आपका श्रृंगार करें लड्डू गोपाल जी का या राधा रानी का, इतना ईजिली बनाने में भी दिक्कत नहीं आती। अब क्या होता है, हम गांठ लगा देते हैं, हमें बड़ी समस्या हो जाती है कि गांठ लगा दी, उतारने में भी दिक्कत आती है, पहनाने में भी दिक्कत आती है,
क्योंकि वो होल काफ़ी छोटा रह जाता है। और इसी तरीके से हम मेरे जितने भी हैं हार उनको भी मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी सेम इसी तरीके से। और धागा आप ये ध्यान रखिए, धागा हमें आपको थोड़ा सा मजबूत ही लेना है। कलर कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम वाइट ही लें, ब्लैक में भी आता है, काफ़ी कलर में आता है ये धागा। और इस तरीके से हम वापस से एक और बना के दिखाती हूँ मैं आपको। दोनों तरफ जो होल होते हैं उसमें हम ऐसे डाल देंगे और ऐसे ही गांठ लगा देंगे, दोनों छोर को पकड़ के कस के गांठ लगा देनी है ताकि ये खुलेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगाएंगे। और काफ़ी हैवी जो हमारे ज्वेलरी होती है उसमें भी हम इसी तरीके से बना कर रखें ना, एक तो रखने में भी आसानी होती है और अरेंज भी इजीली हो जाते हैं और पहनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, उतारने में भी दिक्कत नहीं आती। इस तरीके से आप बनाए हैं ना तो बहुत मतलब हमारी समस्या होती नहीं है कि मैं ये धागे बार बार नॉट बांधना है फिर उसको खोलना है, कुछ नहीं। बस आप हल्का सा उसको मोती को नीचे कीजिए, अब जिस तरह से लंबा करना है लंबा कर लीजिए, छोटा करना चाहते हो तो छोटा कर लीजिए, है ना कितना आसान। उसी तरीके से मैं हल्का सा फेविकॉल लगेगा टिप पर ताकि जो हमारे धागे हैं वो मोती के अंदर अच्छे से पिरो सकें हम। जब भी आप फ्री हो इस तरह से तैयार करके रख दीजिए तो जब श्रृंगार करते हैं ना कोई दिक्कत नहीं आती है। और इस तरीके से मैं उसके अंदर मोती के अंदर डाल दूँगी और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ देते हुए बढ़ देंगे ना आप, वो अपने आप दूसरे तरह से वो धागा निकल जाएगा और उसको खींच करके आप उसको गांठ लगा देंगे। धीरे धीरे बढ़ देना है क्योंकि धागे काफ़ी मोटे हुए तो देखो चार धागे तो काफ़ी मोटे हुए, होल काफ़ी छोटा होता है तो हल्का सा प्रेस तो देना ही पड़ेगा। हल्का हल्का बढ़ देते हुए जैसे बत्ती बनाते हैं बस इसी तरह से देखिए निकल के बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसको मोती को नीचे करके धागे इक्वल करें ऊपर से और गांठ लगा दें इस तरीके से। गांठ लगाने के बाद हम ऊपर से हम टॉप से जहाँ हमने फेविकॉल लगाया था उसको काट दें, नहीं भी काटना चाहते हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं। ये हो गया हमारा तैयार, नहीं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मोती लगाने के बाद लगता भी सुंदर एकदम, जैसे नेक ओरिजिनल होते हैं ना हार वगैरह बिल्कुल सेम उसी तरह लुक आता है। देखिए और मैंने ये दो तैयार कर लिए, मैं बाकी के भी तैयार कर लेती हूँ। और इसी तरह से आप ही मतलब जो है हार वगैरह या नेकलेस वगैरह तैयार कर सकते हैं, बहुत ईजीली तैयार हो जाते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो मेरे खाना जी की ज्वेलरी की तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे खाना जी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।